हरे कृष्ण। सो कंटिन्यूइंग ऑन द कॉन्शियसनेस ऑफ डिमोनियक पीपल, आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का स्वभाव, उनकी सोच क्या होती है, इसके बारे में भगवान कहते हैं वेरी वेरी। अब तक उन्होंने उनकी चेतना के बारे में बताया, अब वो बताते कि वो एक्चुअली क्या सोचते हैं, व्हाट इज देयर थॉट प्रोसेस, एन आसुरी पर्सन, व्हाट इज हिज थॉट प्रोसेस। कृष्णा सेज द 13th वर्स, इदमद्यमया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम, इदमस्तीति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। असौ मया हतः शत्रुन् हनिष्ये चापरान्नपि, ईश्वरोऽहम् अहम् भोगी सिद्धोऽहम् बलवान् सुखी। तो 13th एंड 14th वर्स कृष्णा बताते हैं कि एक आसुरी प्रवृत्ति का लोग व्यक्ति क्या समझता है। द डिमोनियक पर्सन थिंक्स, सो मच वेल्थ डू आई हैव टुडे एंड आई विल गेन मोर अकॉर्डिंग टू माई स्कीम्स, सो मच इज माइन नाउ एंड इट विल इंक्रीज इन फ्यूचर मोर एंड मोर। He is my enemy and I have killed him, and my other enemies also will be killed. I am the lord of everything, I am the enjoyer, I am perfect, powerful and happy. Yes. So हमने देखा कि एक आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति उसे भगवान में, इस भौतिक जगत में भोग के अलावा और आध्यात्म में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो तमोगुण के अधीन हो करके आलस्य प्रमाद से जुड़ा हुआ है। सो यहां हम देखते हैं भगवान कहते हैं इदम अद्य, मेरे पास इतना है, किसने लिया है वो मया लब्धम। सो एक आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति वो अपने जीवन में जो कुछ भी चल रहा है उसमें से भगवान के अंश को पूरा निकाले ही देता है। He doesn't even see, doesn't even acknowledge. He feels everything is happening because of him. उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। मया लब्धम। अरे मया मतलब क्या? अगर हमने आज एक अच्छे परिवार में जन्म लिया है, जहाँ पर हम अच्छे से 3 बार खा सकते हैं, पिज़्ज़ा, पाव भाजी, छोले हफ्ते में 1 बार ले सकते हैं, तो उस ऐसे परिवार में पैदा होने के लिए हमने कौन सा काम किया था? हमने तो कुछ भी नहीं किया था। Whereas there are some who are living in Dharavi, सोमालिया, मोगादिशु, जहां पर उनको पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ता है, हम देखिए इतने अच्छे जगह पर हैं जहां पर आपको शूट में तक पानी दिखता है, वहां पे लोगों को पीने के लिए पानी से नसीब नहीं होता है। हमारा इतना ऐश्वर्य है कि हम पानी के बीच में आकर के शूट कर रहे हैं। यस, तो हमने तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया कि हम यहां पर आए और यहां पर शूट करने के लिए we become qualified, we have not done anything great. So we must understand, and everyone must understand, that whatever facilities he is receiving is because of Krishna's mercy. So idam adhya maya labdha, so as soon as maya labdha, ye mere karan hai, yahan pe asuri pravritti aati hai. Aur imam prapsiye manoratham, aur main lunga, kaise? और चाहिए, मुझे और चाहिए, जो मेरे मन में है वो सब कुछ लूंगा। इदम अस्तीति इदम अपि मे भविष्यति, ये मेरा है और ये आगे बढ़ करके मेरा होगा। सो द एसेंस इज ही इज ऑलवेज ओनली सेल्फ कॉन्शियस, ये मेरा है, ये मेरा होगा, इतना मेरा था, इतना मेरा नहीं है, इतना मुझे और अर्जित करना है। इसीलिए हम देखते हैं ऐसे व्यक्ति के जीवन में शत्रुता भी होगी, क्योंकि जैसे एक आसुरी व्यक्ति सोच रहा है ये मेरा है, दूसरा आसुरी व्यक्ति भी वही सोचेगा जो कुछ भी दिख रहा है मेरा है। सो नेचुरली देयर इज कंपटीशन। सो असौ मया हतः शत्रुर् हनिष्ये च अपरान्नपि, मैंने इतने अपने शत्रुओं को निस्तनाबूत कर दिया और जो शत्रु आएंगे उनको भी मैं पूरी तरह से उनका घोड़बंगा लेख कर दूंगा। सो असौ मया हतः शत्रु, इतने लोगों को मैंने, इतने शत्रुओं को मार दिया। हनिष्ये च अपरान्नपि, और लोगों को भी मैं मारूंगा। ईश्वरोऽहम् अहम् भोगी, मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं। देखिए, दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट कृष्णा टेल्स अस इन भगवद गीता, दैट ओ आई एम द लॉर्ड एंड मास्टर ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स एंड आई एम द सुप्रीम एंजॉयर। सो हमने जैसे देखा है भगवान कहते हैं
पांचवे अध्याय के 29वें श्लोक में भोक्ता अहम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृत्यति। सो भगवान कहते हैं भोक्ता अहम और सुहृद सर्वभूतानाम सर्वलोक महेश्वरम एंड दिस इज एग्जैक्टली इन कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट दिस पर्सन इज थिंकिंग। यस, कि वो ईश्वरोहम अहम भोगी बलवान सुखी। सो इज ए कंप्लीट नेगेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ कृष्णा एंड दैट्स व्हाई ही गोज परपेचुअली इन द मोड्स ऑफ डार्कनेस गोइंग थ्रू डिफिकल्टीज इन दिस मटीरियल वर्ल्ड बिकॉज ही डज नॉट अंडरस्टैंड एंड एक्नॉलेज द प्रेजेंस ऑफ कृष्णा इन हिज लाइफ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.